उन्होंने एक अच्छा काम किया यहाँ पे, ब्लॉगर लोग का एक ब्लॉगर लोग के लिए अच्छे से टेबल बनाए हुए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड काफ़ी एक्साइटिंग भी है मेरे लिए तो स्पेशली, बिकॉज बहुत टाइम से ये दिन का मैंने वेट किया हूँ। बिकॉज क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को कि मेरा कैमरा जब भी ख़राब हुआ था, खराब वैसे नहीं हुआ था बट जैसी क्वालिटी चाहिए थी वैसी क्वालिटी मिल नहीं पा रही थी मुझे। सोचा कि मुझे नया सेटअप लेना है, बड़ा सेटअप लेना है, उसमें मेरा फोटोग्राफी का काम भी हो जाए एंड मेरा ब्लॉगिंग का भी काम हो जाए। तो वो दोनों काम के लिए मैं एक कैमरा ढूंढ रहा था अच्छा, तो मैंने फाइनली एक डिसाइड किया है। सो टाइटल एंड थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं कौन सा कैमरा खरीदने जा रहा हूँ। तो बस मैं कैमरा वैसे आज कैनन स्टोर से खरीद रहा हूँ, बिकॉज यूट्यूबर्स है अपन, इसलिए अपन को कुछ लोगों ने अलग से डिस्काउंट किया हुआ है। अपन मेल किया था कंपनी को, जो स्टोर में मैं गया था वो स्टोर से उन्होंने कुछ मुझे करके दिया था कि यूट्यूबर है, तेरे इतने फॉलोअर्स है, तेरे कुछ स्पेशल ऑफर होती है, तो उन्होंने कुछ मुझे सेटिंग करके दिया है। तो मुझे काफी सस्ते में मिल रहा है मार्केट प्राइस से, तो मैं कैनन स्टोर से बॉडी खरीदूंगा एंड मुझे 16mm लेंस खरीदना है एंड एक माइक खरीदना है, एकदम प्रॉपर सेटअप ब्लॉगिंग। निकलना कार लेके, मतलब भाई साहब ट्रैफिक तो लगनी है। तो हम लोग जोगेश्वरी के साइड से जा रहे हैं, पेट्रोल भर के जा रहे थे, सामने ट्रैफिक देखो कितना है। यही मुंबई के हाल यार, रोज का कार में जाना है तो ट्रैफिक झेलना पड़ेगा। इस बार कैमरा खरीदने का फंडा एक अच्छा है कि इस बार के जो पैसे है वो फैजान पे कर रहा है। पूरे 2 लाख रुपए की बॉडी है कैमरा की, तो 2 लाख की बॉडी भाई फैजान पे करने वाला है। दोनों का मोबाइल दे देंगे तो कैमरा आ ही जाएगा, टेंशन नहीं। ब्लॉग शुरू स्टार्ट है। उन्होंने एक अच्छा काम किया यहाँ पे, जो कि ब्लॉगर लोग का एक ब्लॉगर लोग के लिए अच्छे से टेबल बनाए हुए। फाइनली बहुत ज़्यादा सबर करने के बाद यहाँ पे अपना आ गया है एक कैनन का ओरिजिनल, मैंने लिया है माउंट अडाप्टर, क्योंकि ओरिजिनल बहुत जरूरी है। इतना महंगा कैमरा लिया है उसके ऊपर डुप्लीकेट अडाप्टर लगाना मतलब वर्थ नहीं है। एंड ये रहा अपना कैमरा USR6, जो कि फैजान भाव अनबॉक्सिंग करने वाले। तो ये बहुत दिनों से इसका इंतजार किया है यार, मैं बता नहीं सकता कितना इंतजार किया है इसका। बॉडी सिर्फ 2 लाख रुपया, 2 लाख। पहला शूट कहाँ पे आए हैं? पहला शूट पीछे जो व्लॉग आएंगे ना मोस्टली, मतलब मैं ट्राई करूंगा, इतना बड़ा सेटअप लेके घूमने की तो आदत नहीं है मुझे वैसे, बट अपन ट्राई करेंगे अच्छे क्वालिटी का व्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे इस कैमरा से। आपको सर 3 लाख रुपए का जो सेटअप मैं बना रहा हूँ, सिर्फ व्लॉगिंग के लिए नहीं बट मेरे भाई प्रोफेशन फोटोग्राफी के लिए भी बना रहा हूँ ये सेटअप, तो काफी क्वालिटी वाले व्लॉग आएंगे, वीडियो आपको देखने मिलेगी। थैंक यू सो मच। आइए कैनन की तरफ से कॉफी। कैनन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 2 लाख रुपए लूट रहे हैं, ठीक है 10 रुपए की एटलीस्ट कॉफी तो दे रहे हैं। ओपन करते इसे कैमरा तो अपन ओपन किया, अभी अडाप्टर ओपन करना है। वो करेगा फैजान बेग ब्लॉग्स, नहीं हो रहा है फैजान बेग ब्लॉग से, नहीं हो रहा है। और ये गिरा दिया नीचे। और पैकेजिंग बहुत मस्त किया है, घुमा घुमा कैसे रहे इसको। कैमरा में लगा इसे बॉडी बनाओ, मैं बोला बॉडी बनाओ। जैकेट बहुत प्यारा लगा वो, और ये भी डाल दो उसके अंदर। चले लगूटा, दोनों लगूटा, पक्का पक्का ऐसा काम कर दे। थैंक यू सो मच। यहाँ पे देखो फैजान भाई किस तरह अपने लिए काम करते हैं कंपनी के लिए। तो आरसीस लेके भागने की कोशिश कर रहे थे जब मैं अंदर था। ओके सो दिस इज द नेक्स्ट डे, आज हम लोग जा रहे हैं रशीद भाई के पास, क्योंकि कल तो हम लोग ने कैमरा की बॉडी खरीद ली और कैमरा का 16mm वाइड एंगल लेंस, रोड का एक माइक खरीदना है, लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं रशीद भाई के पास। जो एक ही शॉप है भाई जहाँ पे अच्छी डील मिल सकती है, अपने रशीद भाई बैक जोन मुंबई।
ये हम आ गए हैं रशीद भाई के पास। रशीद भाई की तरफ बाहर गए वैसे तस्कर डालने का काम कर रहे हैं। ये माइक ओके सो कैमरे में क्या क्या लगा है? ये लगा है स्क्रैच गार्ड, उसके बाद हमने ली है एक एलपी E6N की बैटरी, ये हो गया अपना 16mm लेंस एंड अभी अनबॉक्सिंग करेंगे फैजान भाई। क्या ये वीडियो माइक दो चलो देखो ये प्रोफेशनल यूट्यूबर कैसे अनबॉक्सिंग करते हैं। बिल्ली के बाल हम लोग अभी है ना R6 का साथ माइक टेस्ट कर रहे हैं रोड का माइक्रो वीडियो माइक्रो, तो आप लोगों की क्वालिटी पसंद आ रही है। हाँ आप बताना जरूर कमेंट करना, नहीं तो कोका बड़ा वाला माइक ले वो भी 20,000 का रशीद का गिफ्ट करने वाले। अभी कैसी क्वालिटी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्वालिटी कैसी लग रही है वीडियो की। ओके सो हो गई अपनी शॉपिंग आज की, कि बहुत गर्मी यहाँ पे बढ़ गई है, बहुत खतरनाक हो जा रहा है। व्हाइट दिख रहा है वीडियो हो रहा है तो दिखेगा ना, पता नहीं इसे व्लॉग करने में कितनी तकलीफ होने वाली है पता नहीं मुझे, बट ठीक है धीरे धीरे आदत हो जाएगी। इतना बड़ा सेटअप लेके शूट करने की आदत नहीं है, आदत लगा लेंगे धीरे धीरे, कोई बात नहीं। गर्मी में हालत खराब हो रही है। हम लोग ट्रेन से तो आ गए बट ऐसा लग रहा है अभी कि कार लेके आना चाहिए था, बिकॉज गर्मी से बहुत ही ज़्यादा हालत बेकार हो रही है यार। इतना पसीना आ रहा है, इतनी धूप है ना कड़क, आपको मैं बता नहीं सकता कितनी धूप है, बहुत ज़्यादा ही कड़क धूप है।